हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस वियर किया। मैंने ये वाला मतलब फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम से मंगाई थी और काफी ज्यादा लेट करके आया था, तो सोची है आज ये वाला मैं वियर करके देखती हूँ कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाला ड्रेस कैसा लगा आप सभी को। और मम्मी भी रेडी यहाँ पे है, कहीं मम्मी को जाना है और दीदी से भी वीडियो कॉल बात हुआ, तो सोची मैं थोड़ा सा दीदी का ही वीडियो कॉल रिकॉर्ड की हूँ, तो वो आप सबको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। आप लोग देखिएगा और खूब सारा इंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी भी हैं। मम्मी आज ये वाला साड़ी वियर की थी, जाएंगी मम्मी साथ में, मम्मी को जाना है। तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि ये वाला मम्मी का साड़ी कैसा लगा, है ना? तभी आप कहाँ जाइएगा शादी में, पार्टी में जाना है, मुस्लिम लोग का है। तो आज जाएंगी मम्मी। और ये लाइक इतना ज़्यादा मतलब इतना अच्छा है कि वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी हम इतने शाम को वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग टाइम भी देख सकते हैं कितने 4:30 होने वाला है टाइम। और फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ है, अभी शायद दीदी का ही कॉल आया होगा। हाँ बोले ना गाइस, दीदी का ही कॉल आया है। तो अभी जो हम लोग दीदी से वीडियो कॉल बात किए वो भी हम डालेंगे इस ब्लॉग में। और आप लोग देखिए, ये वाला ब्लॉग शायद थोड़ा लेट आएगा, बट क्योंकि हम सुबह से शूट नहीं किए थे कुछ वीडियो, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट आएगा। बाकी आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। नहीं, दुकान पे नहीं गए, इधर ही है। अच्छा चलिए। अच्छा अनीशा से पूरे पासपोर्ट का फोटो भेज निकले पापा का। हाँ भेज रहे हैं, रिन्यू कराना पड़ जाएगा, गए भी नहीं। क्या गए भी नहीं पापा? दादा तार को तो ला नू, तू जाई बोलो विदेश कमाए, हम बोरा में रुपया कस के कमा के कसे। कहते हैं दादा नू, हम तो कमा के बोरा में रुपया कसे। वही से ना जाए देनी, एक जगह रखिएगा, हो गया। चलिए पासपोर्ट का फोटो मंगवाइए, फोटो बोलिए आशा से खींचने के लिए। खोल ऐसी पूरा है ना, तीखी चाहिए। हाँ भेज दे रहे हैं। हाँ या फोन या कौन दिखा कुछ कुछ फोन बता या हम डालें तो आपने देखिए वो धन आपन बना रहे तेरी। पर ठीक है, ठीक है, अभी वीडियो डाले डालने हो गया। खाना खा लिया, हमने चावल दाल सब्जी चटनी दही। जान से खाना खाइए दोनों आदमी, खाएंगे से तो खा रहे हैं। ठंडा में सुबह सुबह थोड़ी खा जाएगा, दहिया में ताकत रहे तब ना। हां दा ठीक है, भेजिए हम फोटो। हां ठीक है, ठीक है। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे खड़ी हो गई थी, मम्मी को कहीं पता भी नहीं कि वीडियो बन रहा है। तो मम्मी का आज ये वाला साड़ी था, काफी ज्यादा अच्छा है। और ये अनन्या है, ये काफी ज्यादा दिन से बोल रही थी कि निशा दीदी आप मेरे को ब्लॉग में नहीं ले रही हैं, अब हम चले जा रहे हैं तब आप ब्लॉग शूट कर रही हैं, तो आज सोचे इसको ले ले ब्लॉग में। तो कैसा लगा? जा रहे थे आप पहले ले रही थी, तो हम चले जा रहे थे, आज मैं ला रही हूं। हां तो वही तो सोची कि आज ले लेते हैं तुमको ब्लॉग में। तो मम्मी अभी नहीं आया है और इतना लेट हम शूट कर रहे हैं कि ये ब्लॉग शायद लेट से आ जाए, है ना? ये वाला हम मंगाए थे, काफी ज्यादा अच्छा लगा, व्हाइट कलर का, मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लगा। बट ये जो है मैंने गोल गला मतलब मंगाया था, बट ऐसा वाला ये आ गया था, बट बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाला ड्रेस कैसा लगा। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम से मैं मंगाई थी, तो काफ़ी लेट आया था, मैं सोची कि एक हफ्ते में आ जाएगा, बट 10-11 दिन लग गया था, तो इसकी वजह से काफ़ी प्यारा लगा। और हम अम्बाला जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं, बट जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी बने रहिए, अभी शायद पता नहीं क्या होगा।
हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल का जो ब्लॉग था वो मतलब कम मिनट का हम बनाए थे, इसकी वजह से सोची कि आज का जो ब्लॉग आने वाला है मैं उसी में ऐड करके ही डालूंगी ब्लॉग। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो आज आएगा ब्लॉग, आज आपको देखिएगा। और जो हमसे मिलने के लिए आई थी, आज वो फिर से आई है हमसे मिलने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अभी उनसे ही बात कराऊँगी और देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट कोई नहीं, ये आएंगे फिर से मेरे घर और काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इनका बाबू भी है इधर। हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। ये भी शर्मा रहा है, रो रहा था, बोल रहा था मम्मी चलो ऑफिस, चलो ऑफिस, ऑफिस जाओगे फिर से, ऑफिस जाओगे बोलो। अभी बाबा खा रहा है निर्वाण। अच्छा पता है ये भी ब्लॉगिंग करता है। बोल रहा हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, थोड़ा बोल दो ना। निशा दो। निशा मौसी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बोल दो तो। बोलो बदमाशी कर रहा है, गेम ही खेल रही थी शायद, कार्टून वगैरह कुछ देख रहा है। लास्ट टाइम जब इनके इनसे मैं मिली और इन्होंने जो ब्लॉग डाला वो उस ब्लॉग को काफी लोगों ने देखा, तो लोग मतलब मेरे पे मैसेज कर करके बोल रहे थे अरे तुम निशा से मिली हो, तुम कितनी लकी हो, तुम बगल में रहती हो तुम मिल लेती हो। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लोग मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे भेज रहे थे कि भैया देखिए भाभी यूट्यूब पे आ गए। और मैं बोली कि आपको जब मन तब आइएगा, आराम से बस वीडियो वगैरह शूट भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं हम सोचते हैं कि कोई कोई घर पे आते जाते रहते हैं ताकि मेरा ही ब्लॉग थोड़ा शूट हो जाए। ऐसे घर पे अकेले मेरे को ही मन नहीं करता थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने के लिए, और मैं सोचती हूँ क्या कैसे मतलब कहाँ पे जाके मैं ब्लॉग शूट करूँ, तो इसकी वजह से। और आज थोड़ा मौसम भी ठंडा हुआ है, तो इनका भी ऑफिस जाने में भी शायद 2 घंटा टाइम रहेगा ना। हाँ अभी तो टाइम है, तो इसकी वजह से सोचे अभी आप यहीं पे बैठ के तब तक ऐसे मन भी लग जाएगा। हाँ बातचीत बिल्कुल इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल लगता है जैसे अपना घर है। और जब भी मन होता है मैं चली आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी ना ऐसे मम्मी घर पे है नहीं थी, तो शायद गई है मतलब बगल में कुछ काम है, तो और पापा भी बाहर गए हैं। बाकी अम्बाला जाने का तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, डेली ब्लॉग में बोल रहे कोई कंफर्म नहीं, क्या पता कंफर्म भी हो जाए। बहुत लोग वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहा है गाइस कि निशा आप जाओ, आप नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो अभी शायद हम बता नहीं सकते कंफर्म, बट जैसे कंफर्म होगा मैं आप सबको ब्लॉग में बता दूंगी कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, और वो सब आपको ब्लॉग में मतलब जरूर देखने को मिल जाएगा। मैं तो जाऊँगी तो मतलब ब्लॉग तो शूट करूँगी, और आपको ब्लॉग में भी देखने को मिलेगा कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। तो बस कमेंट देखी मैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नए नए यूट्यूबर आएंगे, नए नए यूट्यूबर से मिलो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मतलब आपको जाने का मन है? जाने का मन है भी नहीं भी है, इसलिए तो मैं बोली कि अभी कोई कंफर्म नहीं है। दीदी तो वैसे कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे दीदी के ब्लॉग में, कि कल के ब्लॉग में बात हुआ तो हम दीदी को वीडियो कॉल पे ये बोल दिए कि हम नहीं आएंगे। बट लास्ट टाइम दीदी बोली कि लास्ट वाले ब्लॉग में कि नहीं निशा को 1-2 दिन के लिए भी बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे। तो हम बोले अच्छा देखते हैं फिर क्या होता है, जैसे होगा वैसे ब्लॉग में बताऊंगी मैं आप सबको। और पता है एक और बात, जब इनके साथ मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ तो बहुत लोग मतलब बिलीव नहीं करेंगे आप, इनका वीडियो मतलब गांव-गांव में आंटी लोग भी देखती है। मेरी मम्मी देखी तो बहुत खुश हो गई, बोल रही है वाह बेटा तुम निशा से मिली हो, बहुत अच्छा है, मुझे भी मिलवाना। मैं और काफी अच्छा लगता है ना गाइस कि मेरे ब्लॉग इतने सारे लोग देखते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट आते हैं, वो तो कॉमेंट देख कर मतलब इतना ज्यादा खुशी होती है कि आप लोग मतलब डेली सोचते हो कि मेरा डेली ब्लॉग आए और डेली मतलब आप लोग देखे लोग, तो ऐसे कमेंट देख कर तो और ज़्यादा खुशी होती है ना। मैं तो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बट इंस्टा पे एक आईडी बनाई है, अभी काफी कम टाइम मिलता है वीडियोस डालने के लिए, लाइवली सोल नीड्स के नाम। और आज भी इनके घर वाले देखेंगे ब्लॉग तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे लोग, इनकी मम्मी सबको ही देखता है ब्लॉग मेरा। हाँ आपका ब्लॉग, वो मनीषा जी का ब्लॉग, सचिन सब देखते हैं सारे। आप लोग काफी फेमस है, मतलब किसी से भी पूछो तो एकदम तुरंत देखते ही लोग पहचान, अरे ये तो वो यूट्यूबर है ना, ये तो ब्लॉगर है ना, ये तो वीडियो बना रही है ना। यहाँ पे ये बाबू अभी खेल रहा है, और ये शैतान। हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो बोलो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बोलो मेरे चैनल को लाइक करें।
चलिए अब बाबू ने भी बोल दिया है निशा जी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जरूर इतना ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा 100 का जल्दी से हो जाए सब्सक्राइबर और खूब अच्छे से पार्टी दो और मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग कर देंगे 100 का सब्सक्राइबर। देखिएगा नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, अच्छा रहेगा। आपका YouTube का सिल्वर बटन भी मैं ही लेकर आऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा और थोड़ा सा मेरे हाथ में अब दर्द होने लगा फोन ऐसे पकड़ते पकड़ते। बस अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। प्रणाम नानी, मम्मी को ये बोल रहे हैं प्रणाम नानी। एक बार फिर से बोल दो बेटा, फिर से बोल दो, इतना शर्मा रहा है। देखो देखो नानी है, बहुत प्यारी नानी है। क्या कर रहे हो? एक बार बोलो, बोलो, बोल दो तो प्रणाम नानी। देख रहा है कि ये वीडियो बना रही है इसलिए नहीं बोल रहा है। जा रही है अपने ऑफिस। तुम भी जा रहे हो? तुम रह जा रही है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बोलो बोलो जल्दी जाओ, फिर सब लोग बोलेगा निर्वाण बैड बॉय है, जल्दी बोलो। गुस्से में क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। तो ये बहुत ज्यादा नहीं बोल। और जाते जाते मेरा इंस्टा आईडी है यूनिक गर्ल्स, उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी बहुत अच्छा अच्छा भी रील्स आया हुआ है ना। तो ये अपने ऑफिस जाएंगी, फिर देखते हैं कब हम लोग ये आ रही है मेरे घर। और मेरा भी एक छोटा सा इंस्टा आईडी है लाइवली सोल लीड्स, लीड्स के नाम से सर्च कीजिए, इनका भी आईडी को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। ये बादल की चादर ये तारों